नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पीएसी व नागरिक पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने हेतु जागरूक किया जा रहा। कानपुर वालों के लिए बड़ी राहत। प्रयागराज से कानपुर के लिए आ रहे 37 टन ऑक्सीजन। नेपाल की 3 नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया। 144 का उल्लंघन कर वोटरों को लुभाने हेतु सामान बांट रहे प्रधान प्रत्याशी। ऑक्सीजन गैस की कमी की सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अमित जग्गी नर्सिंग होम का हुआ निरीक्षण। शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के गृहनगर सहजानपुर मेडिकल कॉलेज की कुछ तस्वीरें आई सामने। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगी भीड़। घर के अंदर महिला का शव मिलने से मची सनसनी। बैंकों में उड़ाई जा रही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्र में अर्धसैनिक बल पीएसी व नागरिक पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक और आईपीएस अपर्णा गौतम ने दी जानकारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में एक कंपनी सीआरपीएफ, इसके साथ ही 5 प्लाटून पीएसी जनपद को मिली है शांति व्यवस्था और सभी थाना क्षेत्रों में जो हमारे संवेदनशील गांव हैं और ऐसे गांव हैं जहां हमें लगता है कि फोर्स की फ्लैग मार्च की ज़रूरत है, वहां सभी जगह पर व्यापक रूप से फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। कुछ फ्लैग मार्च जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं उनके द्वारा लीड किया जा रहा है और कुछ फ्लैग मार्च हमारे SHOs के द्वारा लीड किया जा रहा है। जो बाकी क्षेत्र हैं उनमें भी जो हमारे सिविल पुलिस की जो कंटिजेंट है उसके द्वारा भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक और आईपीएस अपर्णा गौतम के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी अजीत मल द्वारा फ्लैग मार्च कर संवेदनशील बूथों का भ्रमण किया जा रहा। वह सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने हेतु जागरूक करते हुए सुरक्षा का पूर्ण विश्वास भी दिलाया जा रहा। कानपुर वालों के लिए बड़ी राहत। प्रयागराज से कानपुर के लिए आ रहे 37 टन ऑक्सीजन गैस के टैंकर को यातायात पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की टीम द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर स्कोर्ट करते हुए उनके गंतव्य स्थान फजलगंज प्लांट तक पहुंचाया गया। कानपुर पुलिस का एक बार फिर से सराहनीय कार्य। थाना गोविंद नगर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम द्वारा जनपद कपिल वस्तु नेपाल की 3 नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया। यहाँ पर पुलिस थाना बाबूगढ़ ने COVID-19 महामारी अधिनियम व धारा 144 CRPC का उल्लंघन कर वोटरों को लुभाने हेतु सामान बांट रहे प्रधान प्रत्याशी को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 44 पवे अवैध देसी शराब, 54 बोतल कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई। आगरा जिला अधिकारी द्वारा ऑक्सीजन गैस की कमी की सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अमित जग्गी नर्सिंग होम का निरीक्षण किया गया। मरीजों के उपचार हेतु ऑक्सीजन गैस औषधि हॉस्पिटल में COVID-19 सुरक्षा इंतजामों व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को भी चेक किया गया। प्रदेश के कैबिनेट वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना के गृहनगर सहजानपुर मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीर। कोरोना संक्रमित मरीज को स्ट्रेचर पर लादे उसके तीमारदार हाथों में सिलेंडर पकड़े इधर उधर भटक रहे। इसके खून करने पर कौन सा जरूरी काम होते हैं,
आराम करके थे, छायम कर लो ना इधर सैतीस टन ऑक्सीजन गैस के टैंकर को यातायात पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की टीम द्वारा ग्रीन कॉरिडोर के साथ उसके गंतव्य स्थान फजलगंज प्लांट तक पहुंचाया गया। पहुंचते ही फजलगंज में ऑक्सीजन के लिए लगी तीमारदारों की भीड़। महिला का शव मिलने से मची सनसनी। महिला के गले पर चोट का निशान, महिला के दामाद पर हत्या का शक। दामाद की तलाश में जुटी पुलिस। पूरा मामला आगरा के थाना सिकंदरा का। बुक पर आए तो उन्होंने कहा कि इसमें जान नहीं है, मैंने कहा ऐसी बातें मत करो, तुम भी तो बोल तो कम से कम। तो उन्होंने कहा फिर तुम किसी अपने को बुला के लाओ, तब बोलूँगा। फिर मैंने नीचे गई तो नीचे वो लोग खड़े हुए थे, उनको बताई तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे को बुला लो, तुमने इसको फ़ोन किया है आकाश को, लड़के को, आपका बेटा है आकाश अग्रवाल जी आया है, इसलिए मेरी इसकी दोनों लड़कियाँ भी आ गई थी। आकाश अग्रवाल क्या काम करते हो? मैं इसको कंपनी में काम करता हूँ। कौन सी? वेदिका एंटरप्राइज। वेदिका क्या नंबर है? 8273 7525 7525 2539। तो आपने फिर फोन किया पुलिस को? नहीं मैंने फोन नहीं किया, मेरे जीजा जी ने फोन किया। कौन जीजा जी? अभी सर थाना क्षेत्र सिकंदरा शास्त्रीपुरम में एक महिला की हत्या हुई है, क्या मामला है सर? देखिए एक महिला रेखा अग्रवाल, वाइफ ऑफ स्वर्गीय राजकुमार अग्रवाल, रहने वाली है शास्त्रीपुरम, कांचीराम योजना शास्त्रीपुरम में रहती है। आज शाम को पुलिस को एक सूचना मिली कि इस महिला की जो डेड बॉडी उसी के घर पर पड़ी हुई है। मौके पर फील्ड यूनिट थाना पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना इसमें किया गया। इसमें जो शख्स जाहिर किया जा रहा था वो किसी के दामाद विनय कश्यप के ऊपर जाहिर किया जा रहा था, तो उसको अभी हिरासत में लिया है, इसमें पूछताछ की जा रही है। साथ ही में डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। बैंकों में उड़ाई जा रही कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां। कानपुर के केशवपुरम में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है कोरोना का कोई डर। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के इकट्ठा होती है भीड़, नहीं कराया जाता ग्राहकों से किसी भी नियम का पालन, तथा जो ग्राहक बैंक में अपनी जरूरी कार्यों से आते हैं उनसे भी सीधे बात नहीं की जाती। एक ही खिड़की पर लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे लोगों के बीच कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ नहीं दिखाई देती। जब बैंक के कर्मचारी स्वयं ही मास्क न लगाकर कार्य कर रहे हैं तो ऐसे में ग्राहक को किसी भी नियम का पालन करवाना तो दूर है। ऐसे खबरें समाप्त होती हैं, देखते रहिए बीपीए न्यूज़।